मम्मी का फोन आ रहा है, सो आई एम गोइंग टू गो एंड टेक मम्मीज कॉल्स. हाँ मामा, ये लो. ओके, तो आपसे जानना चाहूंगी शार्दुल के बारे में, जिस तरह से आपकी फ्रेंडशिप है उनके साथ, वो बहुत ही अच्छा लगा था बिग बॉस के घर में भी एक रियल फ्रेंडशिप दिखा था और आप दोनों एक दूसरे का साथ निभाते और अभी तक साथ निभा रहे हैं. उनकी इस खुशी के मौके पे आप साथ हैं, सो क्या कुछ फीलिंग है, एक्साइटमेंट है, और अभी लाइव शो करके आए हैं तो क्या कुछ बातें हुई हैं? यार, अपना दोस्त जब तरक्की करता है ना और दोस्ती सच्ची होती है, कोई भी रिश्ता जब वो सच्चा होता है ना, तो खुशी दिल से होती है. ऑफकोर्स दिल से बहुत ज़्यादा खुशी है. शार्दुल ने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, फैमिली की तरफ से भी बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, करियर की वजह से बहुत बड़ा डाउनफॉल देखा है, हेल्थ वाइज देखा है. तो आप जब आज उसके लिए इतना बड़ा दिन है तो बहुत अच्छा लग रहा है. ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा खुश है. आई थिंक एजाज भी बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि एजाज उससे उस लेवल पे कनेक्ट कर पाए थे कहीं ना कहीं अंदरूनी तरीके से. राइट एजाज, आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं हाँ कनेक्ट करता हूँ, जो भी लाइफ में चैलेंजेस उसने फेस की है मेंटल हेल्थ को लेकर. तो हम बैठ के बात करते थे वहाँ और एक दूसरे को इंस्पायर करते थे. कभी कभी मैं टूटता था, उसके गले पड़ के रोता था. कभी कभी जब मैं देखता था कि वो वीक पड़ रहा है, मैं कोशिश करता था उसे इंस्पायर करने की. तो आज के दिन तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ. एक बड़े भाई की तरह मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि शाना शार्दुल आज लॉन्च हो चुका है, आज 2 से 5 लाइव जा चुका है और हम एक छोटा हिस्सा उसका बन पाए हैं. इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और यही दुआ करूंगा कि वो तरक्की करते जाए और आबाद हो. सो देयर इज अ कॉल दैट एजाज हैज टू टेक ऑन वीडियो. यस, आई विल. आई वाज गोइंग टू से मुझे आपकी, नो, माय सिस्टर वांटेड टू स्पीक टू यू सिंस बिग बॉस. ओके, एंड आई वांट यू गाइस टू नो व्हाट शी वांट्स टू से बिकॉज़ शी नेवर सेड दिस टू एनीबडी. सो अभी हेलो बहुत बढ़िया रहा. अच्छा, लिसन, बिफोर आई डू एनीथिंग एल्स, तुमने जो बोला था कि मुझे एजाज से बोलना है, so I want you to say it on speaker while Ajaz and Pavitra are here and on camera. Thank you. Yeah. 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 So I told you that I was going to talk to you about the phone. So I was telling you. So Ravi, कुछ भी एक कैमरे पे नहीं है तो. Okay. So मैं. Let's continue. हाँ. सो जिस तरह से आप लोग दोनों का इलेक्शन हुआ तो बहुत ही शॉकिंग था कि आप लोग दोनों इतने स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर थे और आप तो काम के लिए निकले थे कि हाँ काम करके वापस आना है और आपकी जगह पे देवोलीना आई थी. सो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि देवोलीना आपकी जगह पे आना वो सही है, आपको लगा था कितना सही लगा था और आप कितना शॉकिंग आपको लगा था कि आपका इलेक्शन ऐसा हो? इसके इलेक्शन के बारे में बात करेंगे. ओके, और कुछ नहीं. तो इसके एविक्शन के बारे में आई मुझे जब उस रात को पता लगा कि ये जा रही हैं, तो मैं उसके बाद हर एक रात रुका रहा कि ये वाइल्ड कार्ड बन के आएंगी या कुछ बन के आएंगी. मुझे तो लगा ही नहीं कि पवित्रा जैसी कॉन्टेस्टेंट एविक्ट हो सकती है. ये मेरे हिसाब से तो हमेशा शी वुड बी वन ऑफ द फाइनलिस्ट. हालाँकि मैं जब भी मौका आया मैंने ये नहीं बोला. मैं हमेशा उन्हें और चैलेंज करते जाता था और हमारी जो भी रिश्ते में उतार चढ़ाव होते थे उसके हिसाब से वीकेंड पर तो कुछ ना कुछ हो ही जाता था. लेकिन उसके बाद मुझे हमेशा यही लगता था कि वो वापस आएंगी. लेकिन ठीक है, अगर नहीं हुआ, कुछ रीजंस उसके हैं और बिग बॉस ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ज़िंदगी नहीं है. तो अभी ज़िंदगी को जीतने जाएंगे. अगर वो शो नहीं, sorry, I'll have to cut you between okay. because this is important. You need yeah. to hear this. And this is my sister Ruchita. Rinki, you are on speaker and whatever, and you can say. Hi, Rinki. कैसे हैं आप? हाँ, एजाज. मतलब मैं तो बात करने में भी डर रही हूँ. क्यों डर रही हैं? Actually, मैं कब से चाह रही थी कि मैं बात करूँ आपसे, मैं आपकी आवाज सुनूँ. तो कभी भी कॉल करके बात कर लेती. डरने का क्या है? इसने कराई नहीं मेरी एक्चुअली. ये तो गलती इसकी है. करता रह गया. नो, दैट्स बिकॉज़ एज आप अभी तो करता रह गया. हां, बताइए क्या कहना चाहती थी आप? मैं बस ये कहना चाहती थी कि जब ये बिग बॉस में एंटर हुआ था तो ऐसे मैं विश कर रही थी कि इसको
कैसे भी इंट्यूटिवली पहुंचा दो कि एजाज तुझे सपोर्ट कर रहा है, तू प्लीज उसकी सुन जो बोल एडवाइस दे रहा है. जी तो थैंक यू फॉर दैट कि आपने भैया को इतना सपोर्ट करा. जो जो आपने बातें बोली वो इतनी 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 करेक्ट थी, इतनी अच्छी एडवाइस थी. शायद इसकी लाइफ चेंज हो गई है उसके बाद, उसको बहुत कुछ ही चीज समझ में आई. आपको भी मालूम है शायद ये बहुत गंदे फेज से गुजरा था और ये अंदर जा रहा था तब इसको ये मालूम था कि पवित्रा इसकी फ्रेंड है, वो तो उसको सपोर्ट करेगी. पर हमने यहाँ बाहर से देखा था कि आप भी बहुत एक्साइटेड थे जब ये अंदर एंटर हुआ, आपने भी इसको इतना ही सपोर्ट करा था. तो थैंक यू फॉर दैट. मम्मी की तरफ से भी मुझे बोलना था कि आपने बिल्कुल एक बिग ब्रदर की तरह इसको सपोर्ट किया. और जब भी मैं बॉम्बे आऊंगी आपको मुझसे मिलना पड़ेगा. बस आपको मुझसे मिलना पड़ेगा. देखिए अब मैं तो आप लोगों की जिंदगी में परमानेंट फिक्स्चर हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं जाने भी नहीं दूंगी. और आपको मुझे थैंक यू कहने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है. वहाँ उस घर में हम एक फैमिली बनकर रहे हैं. और दूसरी बात, एक इंसान को मिलके ना एक अपनापन की फीलिंग आती है, वो शार्दुल से मिलते ही मुझे लग गया था. और मुझे मालूम है कि ये किस फेज से गुजरा था और आपने उस फेज में उसको सपोर्ट करा. शायद आपको भी नहीं मालूम था कि इसका तब क्या स्टेट ऑफ माइंड था. तो आपने इसको जो जो बोला है ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसके साथ वहां पर हूँ, क्योंकि मैं इसको ऐसी वो मैं छोटी बहन इसकी, पर मैं इसे बड़ों जैसे इसको समझाती रहती हूँ. तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि वहां पे इसको कोई है संभालने के लिए. क्योंकि इतनी इमोशनल मैंने तो कभी देखा नहीं. रो मत देना. हाँ मैं देख के तो रोई थी ना, तो अभी फिर वापस से वो इमोशन याद आ गया ना. She's never said this. All right. आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ, हमेशा हूँ. अब जाने भी नहीं देंगे हम आपको. अच्छा मैं काटता हूँ, इन लोग का इंटरव्यू चल रहा था जस्ट बाज दिन. बिफोर आई कट, आर्यांश पीछे से क्या बोल रहा था पुनिया के लिए? एक मिनट. आर्यांश आर्यांश आप क्या बोल रहे थे? आपको क्या करना है पवित्रा के साथ? है तो एजाज है ना, इधर ही है. मैं इधर ही हूँ. हाँ बेटा बोलो. हाँ हाँ आया था. आपने देखा मुझे? You got a competition. ठीक है बेटा, प्लीज कर ले, जल्दी कर लेना. ओके आई विल मैरी यू. आई थिंक दिस रन्स इन द ब्लड एंड आई एम नॉट रिस्पांसिबल फॉर दिस. यू गाइस कैरी ऑन. हेलो इट्स ओके, कर ले कर ले. हां डन. नो अभी डन. हां रेडी. चल चल. नहीं बच्चा. तो आप दोनों से पूछ मुझे भी नहीं लगा था मैं आऊंगी, लेकिन 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 ऑनेस्टली बताऊं, मुझे कहीं ना कहीं ये चीज फील हो रही थी कि शायद बिकॉज एक हफ्ता में बहुत ज्यादा लो थी, मुझे कुछ चीज़ों ने घर की कुछ ऐसा अफेक्ट किया था दैट मैं थोड़ा इमोशनल और मेंटल एकदम से टर्मोइल में चली गई थी बहुत बिग. इनफैक्ट एजाज की और मेरी कॉन्वर्जेशंस भी, मुझे फैंस जब क्लिप्स भेजते हैं बिकॉज हम दोनों ने अभी तक शो का एक भी एपिसोड नहीं देखा है एक्सेप्ट आर एंट्रीज, तो मैंने वो क्लिप्स देखी थी कि हाँ उस बीच में मेरी कुछ डिस्कशंस एजाज के साथ दिखाए जाते थे. तो हाँ वो बहुत एक वैसा पॉइंट था जब मेरा कुछ मन ही नहीं करता था, लाइक आई वाज हाफ ब्रोकन हाफ डेड. तो मुझे कहीं ना कहीं पता था. बट अगर मैं अपने गेम प्ले की बात करूँ तो मुझे उस चीज़ के हिसाब से बहुत शॉकिंग लगा था बिकॉज मैंने घर में 7 हफ्ते दिए थे और अपनी जी जान करके दिए थे, लड़ झगड़ के दिए थे. आई थिंक उस घर में मैंने अपना हर पहलू दिखाया था. फिर चाहे वो यू नो लोग तो कंटेंट की बात कर देते हैं लेकिन दैट्स हाउ एग्जैक्टली आई वाज बिकॉज कई बार मैं अब्यूजिव भी बहुत हो जाती थी. इनफैक्ट एजाज के साथ भी मैं हाथ वात उठा देती थी एंड आई यूज्ड टू से थिंग्स. तो आफ्टर गिवन अ लॉट ऑफ थिंग्स टू द शो
एंड उसके बाद निकलना, तो उस चीज़ के हिसाब से बहुत शॉकिंग था कि 7 हफ्ते की मेहनत, लेकिन हाँ इस चीज़ के हिसाब से वो 1 हफ्ता का जो पैच था वो थोड़ा, या मुझे पता था थोड़ा मेरे लिए डाइसी हो सकता है, तो या शॉकिंग बट नॉट शॉकिंग ऑल्सो। जिस तरह से आप लोग दोनों एंट्री लिए थे और दोनों के दिमाग में यही चल रहा था, दिल से भी खेल रहे थे दोनों, और दोनों यही सोच कर गए थे कि ट्रॉफी के नज़दीक जाना है, ट्रॉफी को लेकर ही जाना है, दोनों का पर्सपेक्टिव यही था। सो आप लोग दोनों जिस तरह से बाहर निकले, या फिर जिस तरह से इवेक्ट हुए, या फिर जिस तरह से लोगों को ये नहीं पसंद आया, तो आप क्या बोलना चाहेंगे कि आप लोग को दोबारा मौका नहीं दिया गया, या फिर आपका तो आपकी जगह पे प्रॉक्सी बनकर आए थे देवोलीना, तो इसके बारे में अगर कुछ। यार मेरे को कंप्लेन है थोड़ी सी, वो छोटा सा एक मुझे शिकन थी अबाउट देवोलीना ऑल्सो, कि वो एविक्ट हो गई, बल्कि आई थिंक वो एज अ प्रॉक्सी, देवोलीना अपना गेम खेल रही थी, मेरी प्रॉक्सी बन के गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे वापस जाने नहीं मिला। उसके रीजंस बहुत सिंपल है, 6 तारीख को मेरा काम ख़त्म हो गया, उसके बाद अगर मैं क्वारंटीन में जाता और फिर गेम के अंदर जाता मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन शायद प्रैक्टिकल नहीं था शायद, बाकी सब तो आपको मेकर्स ही बताएंगे क्या हुआ। और मैं उस बात को लेके बहुत हर्ट था बहुत दिनों के लिए, मैंने मीडिया से भी बात नहीं की, किसी से बात नहीं की, लेकिन आई हैव टू मूव ऑन। मैं बिग बॉस के फॉर्मेट को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। बिग बॉस ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है, अपने आप को समझने का मौका दिया है, मुझे प्यार मिला है, इनका ही नहीं मुझे लाखों करोड़ों लोगों का प्यार मिला है, जो मैं सर आँखों पर रखता हूँ। इतनी इज्जत मिली है, इतना प्यार मिला है, अभी भी मुझे मैसेजेस आते हैं, अभी भी लोग इतना कहते हैं कि अगर आप जाते तो आप विनर हो सकते थे, आप फाइनलिस्ट हो सकते थे। हम लोग दोनों ने बहुत मेहनत की थी और मुझे लगता है हम लोग दोनों फाइनलिस्ट होना डिज़र्व करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। कोई बात नहीं, जो मेकर्स हैं वो भी बहुत सेंसिबल हैं, उन्होंने भी जो भी डिसीजन लिया था लिया है सोच समझ के लिया होगा, शो के बेनिफिट को मद्देनजर रखते हुए लिया होगा, तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। अभी हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, एंड वी कैन मूव ऑन एंड विश गुड लक टू ऑल द कंटेस्टेंट्स। दो आई वाज वेरी कीन ऑन गेटिंग बैक टू द शो जब सब लोगों की वापस से राहुल की, और वो एक दौर ऐसा आया था कि सब बाहर आ रहे हैं सब अंदर जा रहे हैं, यू नो, सो दैट वाज वन मोमेंट व्हेन आई रियली फेल्ट बैड अबाउट इट, दैट एवरीवन इज लाइक गोइंग इनसाइड आफ्टर गेटिंग एविक्टेड आल्सो एंड आफ्टर गिवन अ चॉइस आल्सो एंड इनफैक्ट आफ्टर नॉट गिवन अ चॉइस आल्सो पीपल आर कमिंग आउट एंड देन री एंटरिंग, सो दैट वाज वन मोमेंट बिकॉज इजाज वाज इनसाइड एंड दैट वाज वन मोमेंट वेयर आई स्टार्टेड कैलकुलेटिंग दैट हाउ मच आई हैव गिवन टू द शो फॉर 7 वीक्स एंड आई डिजर्व टू गेट इनसाइड एंड आई कुडंट गेट इनसाइड। Like that was one moment when I really, that was the day when I cried and I was like, this is something that I won't be able to take. So yeah, and after that his eviction thing, because he, I know how much he wanted to do and I know that he deserved to be in top 3 and to be the winner of the show somewhere, but things took some other turn. That was a part of life, जिंदगी का एक हिस्सा है, जिंदगी नहीं है। Yeah. जिंदगी बहुत खूबसूरत। But yeah, we are very thankful that because of the show, we got so much of recognition, a lot. We found each other. We got love of people as. इतना प्यार मिला यार। Exactly. बहुत खुश हूँ उससे। Seriously यार, I mean there's Gabbar की gang, there's Jazians. जिस तरह से सलमान खान के साथ आप दोनों की बॉन्डिंग थी, सलमान खान जिस तरह से आप दोनों को टीज करते थे एक दूसरे को लेकर भी, और ऐसे भी पवित्र ऐसा नाम वो आपको पुकारते थे जैसे पवित्रा सब बोलते हैं पवित्र, कितना मिस करते हैं या फिर वो कितना अच्छा मेमोरी है आपके साथ? So there is a, he doesn't know he'll get jealous. So there is a hashtag called Paviman. So yeah. Salman and Pavitra. So this is this thing that the hashtag was there. But of course Pavi Jaz ne Paviman ko beat kar diya. And the Paviman only came because of Salman sir used to be like mimicry. So of course I used to miss weekend ka wars with him.
एंड आई एम रियली ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी थैंकफुल दो एजाज और सलमान सर एक दूसरे को लाइक इतने सालों से जानते हैं इतना पहले और तब से काम करते आ रहे एक दूसरे के साथ. लेकिन मेरे साथ उनका जो बॉन्ड फॉर्म हुआ था वो बहुत स्पेशल था. लाइक आई नो कि जब भी मैं कुछ गलत करती थी ही यूज़ टू गाइड मी, ही यूज़ टू करेक्ट मी, मोटिवेट मी. एंड वो ऐसे इंसान हैं सलमान सर कि वो एक स्क्रीन स्पेस जहाँ पे मुझे नहीं मिलता था ना, ही यूज़ टू मेक श्योर कि मुझे उस स्क्रीन स्पेस में कैसे फिट करना है, चाहे मेरी मिमिक्री करके, चाहे मुझसे कोई मजाक करके. आई एम वेरी थैंकफुल, वेरी ग्रेटफुल. भाई इज ऑसम. मैंने उनके साथ 98 से डांस करना शुरू किया था, तभी से ही वो जैसे अभी हैं तब भी वैसे ही थे, और तब हमें शायद एडवाइस नहीं देते थे जैसे अभी देते हैं, लेकिन हमेशा जब भी उन्होंने एडवाइस दी हम बहुत कान लगाकर सुनते थे कि क्या बोलना, क्या बोल रहे हैं और क्या बोलना चाह रहे हैं. हमेशा हमारे हक में बात करते थे, हमारे बेनिफिट के लिए बात करते थे और हमें गाइड करते थे. तो बहुत मिस करता हूँ यार. एंड लास्टली आप बिग बॉस 14 का फिनाले एक दो दिन में होने वाला है, सो उसके पार्ट बनने वाले, ये जानना चाहूंगी और अपने ऑडियंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? पार्ट बनने वाले हैं, शायद पार्ट बनेंगे फिलहाले का. वी आर जस्ट ऑन दैट ओनली, वी आर प्लानिंग द थिंग्स आउट, लेट्स सी हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू मूव. ऑफ कोर्स फॉर द ऑडियंस, बिग बॉस की जर्नी के लिए जो इतना प्यार दिया है फ्रॉम माई साइड, आई वुड लव टू थैंक द फैंस कि इतना प्यार, इतनी मोहब्बत और इतना साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मायने रखता है. एंड सिर्फ इतना कहूँगी कि जैसे इस जर्नी के दौरान आपने ये साथ बनाए रखा, इस साथ को मैं चाहती हूँ कि पूरी ज़िंदगी हम लोग कायम रखें. आप मेरे साथ रहिए, मैं आपके साथ रहूँगी. एंड लेट्स सी, कोशिश करेंगे कि फिनाले का हिस्सा रहें. ऑफकोर्स हम चाहेंगे कि हिस्सा रहें, देखेंगे जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. बाकी तो हमारे फैंस और सपोर्टर्स को यही कहेंगे कि 106 दिन के लिए मैं अंदर था, मुझे कुछ भी नहीं पता था बाहर क्या चल रहा है. बाहर आके काम करने लगा, अब थोड़ा थोड़ा देखने लगा हूँ. कुछ कुछ फैंस 3 महीने पहले के क्लिपिंग्स भेजते हैं कैसे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, क्या कहा, आंखों से आंसू निकलते हैं कभी भी. मैं उन्हें नहीं जानता, इतना प्यार करते तो भी. हमारे जो भी हमने अंदर एक्सपीरियंस किया उससे रिलेट करते हैं, कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं, उन चीज़ों को याद रखते हैं अपनी ज़िंदगी में. मेरे लिए उससे बड़ी जीत क्या हो सकती है. तो बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमारी जर्नी का हिस्सा बने, और यही दुआ करूँगा कि आगे भी बने रहें. बिग बॉस 14 कौन जीत सकता है? आपको क्या लगता है कि कौन जीतना ही चाहिए? आप दोनों. मैं जीत गई, मेरी ट्रॉफी मुझे नहीं पता कौन जीतने वाला. पता नहीं यार, डिप्लोमेटिकली सही आंसर नहीं है इसका. बहुत लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत टाइम से अंदर जुटे रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि जो भी डिजर्विंग हो वो जीते. मे द बेस्ट मैन विन, बेस्ट पर्सन. थैंक यू सो मच. माय प्लेजर. चलो चलते हैं.